नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला हारने के बाद भड़के कप्तान शिखर धवन। मैच के बाद किया बड़ा खुलासा, इन्हें बताया हार का जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे कि शिखर धवन ने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी टीम इंडिया की इस सीरीज जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कल कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम पर तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां मेजबान श्रीलंका ने टीम इंडिया को 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की इस वनडे सीरीज को 2-1 के साथ खत्म कर दिया है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां भारत की पूरी पारी महज 225 रनों पर ही सिमट गई। हालांकि भारत की गेंदबाजी में डेब्यूटेंट राहुल चहर ने मैच के अंतिम ओवरों में टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें बढ़ा दी थी, मगर अंत में मेजबान श्रीलंका ने 3 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं दोस्तों, भारतीय पारी के 23वें ओवर में बारिश आ गई थी और खेल को रोकना पड़ गया था। मैच के दौरान आई बारिश के कारण ओवरों में कटौती की गई थी और मैच को 47-47 ओवरों का कर दिया गया था। बारिश के दौरान श्रीलंका दौरे पर गए भारतीय टीम के हेड राहुल द्रविड़ श्रीलंका के कप्तान दासन शनाका को टिप्स देते हुए दिखाई दिए थे। शनाका और कोच द्रविड़ के बीच हुई बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, तीसरे मुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया की पूरी बल्लेबाजी क्रम मेजबान श्रीलंका टीम के आगे बेबस नजर आई, जिसका परिणाम ये रहा कि भारत की टीम में एक भी बल्लेबाज अर्धशतक के आंकड़े को छू नहीं पाया। आपको बता दें कि भारतीय पारी में पृथ्वी शॉ ने सबसे ज्यादा 49 रनों की पारी खेली और उनके अलावा संजू सैमसन के 46 और सूर्य कुमार यादव के 40 रनों की बदौलत ही भारत 225 रनों तक पहुँच सका। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम की शुरुआत काफी बेहतरीन रही और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मुकाबले को ज्यादा विकेट के अंतर से जीत लेगा, मगर भारत के डेब्यूटेंट राहुल चहर ने पारी के अंतिम ओवरों में एक के बाद एक 3 विकेट चटकाकर मैच दोबारा भारत के पंजे में कर दिया था। हालांकि आखिरकार श्रीलंका ने 227 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट हाथ में रहते हुए हासिल कर लिया और भारत को क्लीन स्वीप करने से भी रोक लिया। जहां इस सीरीज के पिछले मुकाबले में बड़े भाई दीपक चाहर ने टीम इंडिया को हारते हुए मैच से बाहर निकाला था और जीत दिलाई थी, वैसे ही आज छोटे भाई राहुल चहर ने भी किया। जहाँ एक वक्त भारतीय टीम इस मुकाबले में हार माने बैठी थी, उस वक्त आकर चहर के मैजिकल स्पेल ने भारत को कुछ हद तक वापसी तो कराई, लेकिन वो भारत को जीत दिलाने में असफल रह गए। आपको बता दें कि राहुल ने अपने पहले वनडे मुकाबले में 10 ओवरों की गेंदबाजी में कुल 54 रन दिए और 3 अहम विकेट अपने खाते में डाले। वहीं दोस्तों, हार के बाद कप्तान शिखर धवन भारतीय टीम के खिलाड़ियों से गुस्सा हैं और उन्होंने मैच के बाद हार की वजह भी बताई। मैच के बाद धवन ने अपने बयान में कहा कि आप हर कोई मुकाबला नहीं जीत सकते, हमने टीम में बदलाव जरूर किए थे, लेकिन खिलाड़ियों को मापने के लिए उन्हें मौका मिलना जरूरी था। मेरे नजरिए में हमने मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज खिलाड़ियों ने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। अगर आपकी टीम के सलामी जोड़ी के बल्लेबाज या फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो ये टेल एंडर्स व ऑलराउंडर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जुटाएं। मेरे मुताबिक मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स को बल्लेबाजी की कमान संभालनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल ही नहीं हो सका। इसके अलावा आज कोई भी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं था और हम लक्ष्य को 250 रनों तक नहीं ले जा पाए, जिसकी वजह से ही हम इस मैच को हार गए, लेकिन मेरे नजरिए में युवा खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान शिखर धवन ने गेंदबाजी को लेकर कहा कि जब आपकी टीम किसी भी टीम के खिलाफ छोटा लक्ष्य देती है तो आपका मकसद होता कि रन भी बचाने हैं और विकेट भी समय पर लेने हैं, क्योंकि अगर आप विकेट समय पर नहीं ले पाते तो इससे न सिर्फ प्रेशर बनेगा बल्कि लक्ष्य भी कम होता जाएगा। धवन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि T20 सीरीज से पहले हमें इन सब बातों पर काम करना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि T20 मैचेस में मौका दिए जाने पर युवा खिलाड़ी वहां पर शायद ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की वजह क्या है, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।